नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पाइल्स यानी बवासीर मतलब क्या है, पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स में स्टेजेस क्या होता है, उसके लिए कब दवाई से ठीक कर सकते हैं, कब सर्जरी की जरूरत पड़ सकते हैं, हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। पहले बात करेंगे कि पाइल्स मतलब क्या है। पाइल्स के बारे में जानने के पहले हम एनल कुशंस के बारे में जानने की जरूरत है। अगर हम इस पिक्चर में देखा गया तो क्या दिख रहा है कि मोशन जाने के रास्ता एक पाइप जैसा होता है। उस पाइप को हम वर्टिकली कट करके एक साइड से दिख गया तो ऐसे दिख जाएगा। तो अभी इसमें क्या क्या दिख रहा है कि ऊपर वाले पोर्शन को हम रेक्टम कह जाता है और नीचे वाला पोर्शन को हम एनल कैनाल कह जाता है। आम आदमी को समझने के लिए बताना है तो ये रेक्टम डैम जैसा है और ये एनल कैनाल डैम गेट्स जैसा है। ये रेक्टम जैसे डैम में पानी की जगह में मोशन आके भरते रहते हैं। जब एक लेवल के ऊपर मोशन भरा जाता है वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं गेट्स खोलने के लिए। गेट्स मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जो नीचे दिख रहे हैं ना यहाँ पे जो ब्राउन कलर में, उसी को हम स्पिंक्टर कह जाता है। वो कैसे होता है कि मोशन जाने के रास्ता अगर राउंड है तो उसके बगल में राउंडली सर्कुलरली एक स्पिंक्टर मजल होता है। उस स्पिंक्टर मजल्स की वजह से ही सिर्फ मोशन पे ऊपर नहीं है, हवा के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। अब बात आता है कि पाइल्स मतलब क्या है। तो अभी इस पिक्चर में देखा गया तो जो ऊपर पूरा पोर्शन स्मूथ है, अगर नीचे देखा गया तो ये थोड़ा सा मुटके है। वो मुटके होने की क्या ज़रूरत है देखा गया तो, अगर मान लीजिए एक पाइप ऐसे खुला है तो इसमें से मोशन और हवा अपने आप लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो वो ना लीक होने के लिए क्या होता है, ऐसे होने वाले मोशन जाने के रास्ते के ऊपर थोड़ा सा इनफोल्डिंग्स मतलब वो अपने आप अंदर मुड़ते रहते हैं, उसी को हम एनल कुशंस रहते हैं। उस एनल कुशंस की वजह से ही सिर्फ मोशन के ऊपर नहीं है, हवा पे ऊपर भी कंट्रोल रहता है। अगर ये एनल कुशंस के ऊपर हर बार जब जो भी मोशन जाता है थोड़ा बहुत प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा, बट अगर ये प्रेशर जब ज़्यादा लगेगा उस समय क्या होता है, ये एनल कुशंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ के, प्रेशर तो ऊपर से है तो ये एनल कुशंस पहले स्टेजेस में थोड़ा सा बड़ा होके अगले स्टेजेस में मोशन जाने के रास्ते से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे। ये एनल कुशंस के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेच होके अगर बाहर आ रहा है या मोशन जाते समय अगर खून जैसे आ रहा है एंड कभी कभी दर्द हो रहा है तो उसी को हम पाइल्स कह जाता है। अब बात आता है कि पाइल्स में कितने स्टेजेस है और पाइल्स की सर्जरी कब ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस पिक्चर में देखा गया तो जनरली पाइल्स में चार स्टेजेस होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, बाहर मोशन जाने के रास्ते में दिख गया तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बट पेशेंट को कभी कभी ब्लीडिंग होते रहते हैं जब कॉन्स्टिपेशन कबस होते रहते हैं। अगर वही सेकेंड स्टेज में देखा गया तो ये एनल कुशंस के ऊपर और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ के वो अंदर से बाहर कभी कभी आते रहते हैं मोशन जाते समय। एक बार मोशन गया तो ऊपर से प्रेशर नहीं है तो जो बाहर आ गया है वो अपने आप अंदर चले जाता है। ये सेकेंड स्टेज ऑफ पाइल्स है। अगर ये थर्ड स्टेज में देखा गया तो वो एनल कुशन और स्ट्रेच होके मोशन जाने के रास्ते से बाहर आके मोशन जाने के बाद भी प्रेशर बंद होने के बावजूद भी वो बाहर ही लटकते रहते हैं एंड पेशेंट को बाहर से उसको अंदर धक्का मार के अंदर पुश करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं। ये स्टेज थ्री में है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में मोस्टली पेशेंट को ज़्यादातर दर्द नहीं होता है। अगर यही फोर्थ स्टेज में देखा गया तो जो बाहर लटक रहा है पाइल्स वो बाहर ही रह जाता है, कितना भी अंदर धक्का मार के पुश करने के लिए देखा गया तो भी अंदर नहीं जाता है क्योंकि वो टाइट होके वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन होके फोर्थ स्टेज में ज़्यादा दर्द होता है और बिल्कुल ढंग से बैठ भी नहीं पाएगा और तेज दर्द होते रहते हैं।